मई माह का भविष्य फल, सूर्य मंगल शुक्र का गोचर, बुध का वक्री हो जाना, दुनिया में मचेगी कैसी उथल पुथल, जंग के हालात क्या देंगे विश्व युद्ध को न्योता, क्या बढ़ेगा कोरोना का संक्रमण, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं कि मई का महीना कैसा रहेगा, देश दुनिया और भारत पर कैसा रहेगा ग्रहों के बदलाव का प्रभाव, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। मई का महीना, आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिति, सेहत का हाल कैसा रहेगा, यह सवाल अमूमन सभी के मन में आ रहा होगा, क्योंकि मई का आरंभ सूर्य ग्रहण और शनि के राशि परिवर्तन की घटनाओं के आसपास हो रहा है। इस महीने में तीन ग्रह सूर्य, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। साथ ही बुध इस महीने में वक्री भी होंगे। ऐसे में ग्रहों के बीच तालमेल और उनका योग संयोग भी बदलेगा। इन ज्योतिषीय घटनाओं के बीच मई का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मेदिनी ज्योतिष में गुरु अर्थात बृहस्पति को शांति, वैश्विक सद्भाव, आर्थिक उन्नति तथा जनता के सुख का कारक ग्रह बताया गया है। वर्तमान में गुरु ग्रह अपनी स्वयं की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं, किंतु वह पाप कर्तरी योग में फंसे हुए हैं। ऐसे में महीने भी जो है वह रूस यूक्रेन को रोकने के सभी प्रयास असफल होंगे और हालात ज्यादा खराब होंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल असर होगा। मेष राशि में चल रहे सूर्य और राहु अभी गुरु से दूसरे घर में गोचर में है तथा कुंभ में चल रहे मंगल गुरु से पिछली राशि में होकर पाप कर्तरी योग में उसे घेरे हुए हैं। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 17 मई को मंगल मीन में आएंगे। शुक्र मेष राशि में 23 मई को गोचर करेंगे और इससे 10 मई को बुध जो है वृषभ राशि में वक्री होकर वर्तमान में चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध में और भी हलचल पैदा कर सकते हैं। कन्या लग्न की रूस की कुंडली के अनुसार मई के अंत तक वह यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में निर्णायक बढ़त ले सकते हैं। रूस की चंद्र राशि मकर है, जिस पर से अब मई में शनि और मंगल का बुरा प्रभाव हटने से उसको युद्ध में कुछ बेहतर, यूं कहें कि अच्छी सफलताएं मिलती हुई नजर आ रही हैं। यूरोप का गर्मी और महामारी से होगा बुरा हाल। मेष राशि में वर्तमान में चल रहे राहु पर अभी 20 अप्रैल से कुंभ में आए शनि की तीसरी दृष्टि के कारण इस राशि से प्रभावित इंग्लैंड में अधिक गर्मी पड़ने तथा कुछ नए रोगों के उत्पन्न होकर महामारी का रूप लेने के योग बन रहे हैं। इस वर्ष के राजा शनि ग्रह हैं, जो कि मेदिनी ज्योतिष में दुर्भिक्ष का कारक होकर गर्मी बढ़ने, फसलों के नाश तथा कुछ नए रोग उत्पन्न होने का योग बना रहा है। बुध के 10 मई को वक्री होने के साथ सूर्य के 15 मई को बुध से युति करने के साथ ही यूरोप तथा भारत के उत्तरी हिस्से में गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। बाद में 17 मई को जलतत्व की राशि मीन से मंगल के गुरु के साथ युति करने से भारत के दक्षिण में मानसून पूर्व वर्षा होगी, जिससे वहां गर्मी में राहत मिलेगी। मानसून इस वर्ष केरल में अपने तय समय 1 जून तक दस्तक दे देगा, ऐसा ग्रहों की चाल से संकेत मिल रहा है। मई के महीने में किसी भी बड़े ग्रह का राहु केतु नक्षत्र में न होना कोरोना महामारी के नियंत्रण में रहने का ज्योतिषीय संकेत दे रहा है। इसलिए कोरोना से बहुत ज़्यादा चिंता और परेशान होने की जरूरत नहीं है, गर्मी से बचने की जरूरत है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। अगर आपको कोई भी ज्योतिषीय परामर्श लेना है तो ज्योतिषीय परामर्श के लिए यहाँ दिए गए जो कमेंट बॉक्स हैं आप उसमें लिखें।
या वहां पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, या अगर आप ज्यादा जानना चाह रहे हैं तो आप गूगल करके डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जान करके आप व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। चूंकि कुंडली अपना आईना है, मिरर है, आप जैसे भविष्य को अपने संवारना चाहते हैं तो जैसे बाल को आप संवारते हैं मिरर में देख के, वैसे ज्योतिष के आईने से आप अपने भविष्य को देखकर अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। ज़्यादा गर्मी है पड़ने वाली है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिन में निकलने से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है घर पर रहें और प्रयास करें कि आप सेहत से संबंधित सावधानियां बरतें, आप अपने और परिजनों का जितना हो सके उसका ख्याल रखें। क्योंकि शरीर माध्यम खलधनु साधनम, सभी साधनों का के लिए अगर शरीर ठीक है तभी सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए शरीर बेहतर रहे और आप बेहतर करें इस समय में, क्योंकि आपका इम्यून ठीक रहे, आप बेहतर करें, इसका पूरा ख्याल करें और आप जितना हो सके इसका यथोचित उपचार करें। आप अपनी राशि के अनुसार, आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार, अपनी जन्म कुंडली के राशि के अनुसार, आप अपनी पत्रिका दिखाकर जो भी ग्रह आपके प्रतिकूल है, देखिए ज्योतिष जो है वह ठीक करने का नाम है, तो ज्योतिष के आईने में अपना भविष्य संवार के आप अपना भविष्य काफी बेहतर कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कुंडली के जो चक्र हैं, जिसे जोडियक बोलते हैं, जिसे जन्म कुंडली बोलते हैं, अगर आपके डिटेल्स सही हैं तो गणनाएं जो है वह निश्चित रूप से आपको लाभ देती हैं। और इसीलिए कहा भी जाता है कि मंत्रों का पाठ करने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। लिखता है कि मंत्रो वही प्राणा मंत्रो वही राक्षसा, मंत्र अगर शुद्ध है तो उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। कैसे मिलेगा, लिखा हुआ है कि देवाधीनम जगत सर्वम, यह जगत जो है यह देवताओं के अधीन है, और मंत्राणाम देवाधीनम, और मंत्र जो है वह देवताओं के अधीन है, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और ये सारे मंत्र जो है वह ब्राह्मणों के अधीन है, तस्मै ब्राह्मण देवता। तो जो पूजा पाठ या मंत्रों के बारे में जानते हैं तो वो मैसेंजर ऑफ गॉड है, या यूं कहें कि उस मंत्रों के माध्यम से अपने परम पिता परमेश्वर के पास या आपके इष्ट के पास उस मंत्र से पहुंचा के आपको लाभ पहुंचाते हैं। अगर आपको और विशेष जानकारी चाहिए, अपने जन्म कुंडली का परीक्षण कराना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।